दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। तो आज मैं बात करूंगा बैकलैश की प्रेडिक्शन के बारे में। तो पहला मैच होगा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस द मिज का, जो कि होगा एक लंबरजैक मैच जिसमें रिंग के चारों ओर WWE के रेसलर्स खड़े रहते हैं। तो उसमें ये द मिज और डेमियन प्रीस्ट भिड़ेंगे और जॉन मॉरिसन उनके साथ होंगे द मिज के। फिर मैच काफ़ी अच्छा होगा मैच तो मेरे हिसाब से तो, लेकिन मुझे देखने को मिल सकता है कि जॉन मॉरिसन इंटरफेयर करे, वो भी रिंग के साइड में अगर खड़े हुए तो। पर डेमियन प्रीस्ट भी कम नहीं है, वो भी लड़ते रहेंगे अपने पूरे करिश्मा के साथ। और डेमियन प्रीस्ट अभी रेसलमेनिया में उन्होंने अपना दिखा दिया था जलवा बैड बनी के साथ, जो कि जीते थे मैच। और रॉ में भी उन्होंने दम जॉन मॉरिसन को कितने 2 बार हरा दिया है। तो इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है कि जो डेमियन प्रीस्ट है और वो द मिज को अपनी फिनिशर दे के हराने के चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे द मिज का कहूँ तो द मिज भी कम नहीं है, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं अपना कहीं ना कहीं से। पहले भी इनके जब भी मैच हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ किया ही है, जैसे जो चारों तरफ रिंग के जो रेसलर खड़े होंगे उनमें से कोई आके अटैक कर दे और फिर द मिज को मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाए डेमियन प्रीस्ट को पिन करने की। लेकिन यहाँ अभी प्रेडिक्शन की बात चले जो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इस प्रेडिक्शन में डेमियन प्रीस्ट जीत सकते हैं अपने फिनिशर लगा के द मिज को, चांस पूरे है। तो अब बैकलैश May 16 को है तो देखते हैं। तो नेक्स्ट मैच हम देख सकते हैं डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड वर्सेज रे मिस्ट्रियो और डोमिनिक का, जो कि होगा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो स्मैकडाउन में अनाउंस हुई थी अभी, जिसमें जो रे मिस्ट्रियो वर्सेज डॉल्फ जिगलर का मैच हुआ था। मैच काफ़ी शानदार हुआ था। फिर लास्ट में ऐसा हुआ था कि रे मिस्ट्रियो ने 6-1 लाइन लगाई डॉल्फ जिगलर को और फिर रोल आउट करके उनको पिन कर दिया, फिर उनकी जीत हो गई थी। और डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड बहुत लंबे समय से टैग टीम चैंपियन है, तो ड्रीम स्ट्री और डोमिनिक को फॉक्स स्टूडियो को जिमी और जे उसो से अगर मैच देना है तो उन दोनों को टैग टीम चैंपियन बनाना ज़रूरी होगा। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ड्रीम स्ट्री और डोमिनिक जो है वो बैकलैश में डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड को हरा के टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। बाप बेटे की पहली जोड़ी है WWE में जो कि टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और तीसरा मैच है जो कि है रोमन रेन वर्सेस सिजारो का। अभी अपन ने हाल ही में स्मैकडाउन में देखा था कि कैसे सिजारो ने इंटरफेयर किया और फिर नेक्स्ट में रोमन रेन ने इंटरफेयर किया इस मैच में, जो कि अभी लास्ट स्मैकडाउन में था। तो आने वाले समय में मतलब इन दोनों का जो मैच होगा बैकलैश में May 16 को, वो काफ़ी दिलचस्प होगा और देखने में सबको मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। और रोमन रेन ने सिजारो को बहुत तंग किया है उससे पहले भी, और सिजारो ने अभी पिछले हफ्ते अपनी काबिलियत दिखाई थी रोमन रेन को फिनिशर देके, जब इंटरफेयर किया था पीछे से और फिर अपनी न्यूट्रलाइजर लगाई थी रोमन रेन्स पर। तो चांस पूरे है, देखो अब मैं अपनी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। तो मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी उसमें जो रोमन रेन्स है वो सिजारो को हराने के पूरे चांस है, क्योंकि अगर रोमन रेन अगर हार गए तो उनके लिए फ्यूचर में क्या है, कुछ भी नहीं है। और सिजारो अगर हार गए तो उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन रोमन रेन को टॉप अगर सुपरस्टार बनाना है WWE वालों को तो उनको अभी चैंपियन रहना बहुत ज़रूरी है रोमन रेन्स को। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से रोमन को जीतना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो या फिर क्या आपके हिसाब से होगा वो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि आपकी सोच क्या है। और नेक्स्ट मैच हम देखने को मिलेगा हमें रिया रिपली वर्सेज चार्लोट वर्सेज आस्का। ये तीनों ही टॉप सुपरस्टार रह चुके हैं अपने टाइम में। ये जो आस्का, चार्लोट और ये रिया रिपली, ये तीनों NXT के सुपरस्टार थे जिन्होंने एक एक करके डेब्यू किया रॉ में, और NXT में ये वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार थे तीनों ही। तो इसमें इस पेपर व्यू में बैकलैश में ये तीनों भिड़ेंगे। अभी रॉ में हाल ही में अपन ने देखा था कि कैसे इंटरफेयर कर रहे थे, कभी चार्लोट इंटरफेयर कर रही थी, कभी रिया रिपली इंटरफेयर कर रही थी, कभी आस्का इंटरफेयर कर रही थी। तो बैकलैश में हम तीनों का मैच देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन लायक है। और तीनों टॉप सुपरस्टार है तो मैच भी काफ़ी लंबा मतलब होगा।
और तीनों फिनिशर से बचेगी अपनी 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 फिनिशर से। और मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है रिया रिपली के जीतने के 110% चांस है, क्योंकि अभी वो बेल्ट जीती और अभी हार गई, तो उनके लिए बहुत बड़ी नाकामी भी होगी। WWE वाले भी ऐसा नहीं चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से रिया रिपली जीतेगी और अपना टाइटल रिटेन करेगी। फिर नेक्स्ट मैच होगा बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर। अभी अपन ने पिछली रॉ में देखा था कैसे बेली ने बियांका ब्लेयर को बैक स्टेज इंटरफेयर किया था। फिर इस रॉ में देखा, इस स्मैकडाउन में देखा था अपन ने कि कैसे बियांका ब्लेयर जब रिंग में खड़ी थी तो बेली आई और उनको इंटरफेयर किया। तो हम जो कि बैकलैश में इन दोनों का मैच है वुमेन्स चैंपियनशिप, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का, तो उसमें मेरे हिसाब से चांस पूरे है बियांका ब्लेयर का, क्योंकि बियांका ब्लेयर अभी जीती है, कुछ टाइम ही हुआ है बेल्ट को पाए हुए, और बेली पहले जीत चुकी है। तो बियांका ब्लेयर अगर अभी हार गई तो उनके लिए फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में इतनी मतलब WWE में इतनी वो है ही नहीं कि बियांका ब्लेयर जैसी टॉप सुपरस्टार को दे सके जगह। और बेली जो है वो वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार वो भी है, लेकिन अभी हील के रूप में है, तो हो सकता है कि जीत भी जाए, लेकिन ऐसा है कि बियांका ब्लेयर अभी फिलहाल बेबी फेस के रूप में है, तो जैसा मेरा प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर के जीतने के चांस ज़्यादा है। और अगर बियांका ब्लेयर जीत जाती है तो बेली को आगे नेक्स्ट जो कि पेपर व्यू आएगा उसमें बेली को एक और चांस मिल सकता है, या फिर स्मैकडाउन में उनको चांस मिले, कह नहीं सकते, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से बियांका ब्लेयर जीतेगी। नेक्स्ट मैच जो कि मेन इवेंट होगा बैकलैश में, वो जो होगा बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रोन स्ट्रोमन, जो कि जिसकी सब मतलब वेट कर रहे हैं हम सब। तो ये मैच काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। और रॉ में भी ब्रोन स्ट्रोमन ने कभी इंटरफेयर किया, कभी ड्रू मैकइंटायर ने इंटरफेयर किया, बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर में ब्रोन स्ट्रोमन ने इंटरफेयर किया, और बॉबी लैशली वर्सेस स्ट्रोमैन में ड्रू मैकइंटायर ने इंटरफेयर किया, तो मेरे हिसाब से इसमें ड्रू मैकइंटायर के जीतने के चांस ज़्यादा है। लेकिन कहना कहीं ना कहीं मुझे बॉबी लैशली पे भी डाउट है कि वो भी जीत सकते हैं। तो आने वाले समय में मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ड्रू मैकइंटायर है, तो आने वाले समय में हम बैकलैश में खुद ही देख लेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो प्रेडिक्शन तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना आपके सभी दोस्तों के साथ, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। एक्नॉलेज मी।